हेलो दोस्तों, आज हम यह वाला पायदान बनाने वाले हैं। अब आप जितना बड़ा पायदान बनाना चाहते हो उसकी चौड़ाई के अनुसार फंदे बना लो। यह फंदे बनाना बहुत ही आसान है। इसमें हमें एक लूप बनाकर उस लूप में से डोरी को खींचना होता है। इस तरह से हमें पायदान स्टार्ट करने के लिए फंदे मिल जाते हैं। मैंने इसमें 20 फंदे लिए हैं और आप जितने चाहो उतने फंदे ले सकते हो। इसको हम और बनाते रहेंगे तो यह एक रस्सी की तरह बन जाएगी। डोरी के दूसरे किनारे पर लगी हुई सेफ्टी पिन से इस लास्ट वाले फंदे को लॉक कर देंगे। देखिए, यह फंदा अब यहाँ लॉक हो गया है। अब इस पहले फंदे में हमें 2 फंदे बनाने होंगे और दूसरा फंदा छोड़कर तीसरे फंदे में हमें फिर से 2 फंदे बनाने होंगे। इसी तरह से हम पहले एक फंदा छोड़ देंगे, फिर अगले फंदे में 2 फंदे बना लेंगे। इस लास्ट वाले फंदे में एक फंदा बनाकर अब इसको टर्न कर लेंगे। अब इस पहले फंदे में हमें एक फंदा बनाना है। अब हमें पिछली लाइन के 2-2 फंदों के गैप वाली जगह में ब्लू कलर के 2-2 फंदे बनाने हैं। इससे अगला फंदा भी पिछली लाइन के 2-2 फंदों की गैप वाली जगह में बनेगा। इस लास्ट वाले फंदे में भी हम 2 फंदे बना देंगे। अब इसको टर्न करके फिर से गैप वाली जगह में 2-2 फंदे बनाएंगे। अब इन दोनों डोरियों को सुई धागे से सील देंगे। अब इसमें 2 फंदे बनाकर फिर इसको टर्न करेंगे। अब फिर से हमें पहले वाला पैटर्न ही फॉलो करना है। गैप वाली जगह में फिर से 2-2 फंदे बनाते जाएंगे। यह पायदान बहुत ही आसानी से बन जाता है और इसको आखिर में बॉर्डर बनाकर कंप्लीट किया जाता है। इस तरह से आप जितना बड़ा पायदान बनाना चाहो उतना बड़ा पायदान बना सकते हो।
पायदान बनाने के बाद बॉर्डर बनाने के लिए हमें प्रत्येक फंदे में एक एक फंदा बनाना है। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।